हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आज 30 जनवरी है, तो मैंने सोचा आज बात करते हैं महात्मा गांधी पर लिखी गई एक किताब के बारे में, जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसे लिखा है लुई फिशर ने। काफी फेमस बुक है और मैं इसे टोटली रिकमेंड करता हूं। वैसे अगर आपको मेरी रिकमेंडेड बुक्स में कोई इंटरेस्ट हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो अगर आपको ऐसे दूसरे बुक से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और ये किताब खरीदने की अमेज़न लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो इन्हें नटशेल डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। खैर, हिस्ट्री बुक्स को पढ़ने को लेकर पहले भी मैं एक बार कह चुका हूँ और मैं वो बात रिपीट करूँगा कि बुक को पढ़ने के पहले बुक के राइटर के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको पता चलता है कि आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिल रहा है, ना कि कोई प्रोपोगेंडा सर्व हो रहा है। और गांधी जी से रिलेटेड तो प्रोपोगेंडा इतना मिल जाएगा कि शायद आपको कोई और बुक भी पढ़ना पड़े जो पूरे नैरेटिव को डीबंक करके रख दे। दरअसल किसी की भी लाइफ को एक व्हाट्सएप मैसेज या एक आर्टिकल या किसी मूवी का कोई एक सीन डिफाइन नहीं कर सकता, और गांधी जी को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कुछ इश्यूज पर गांधी जी ने अपने विचार भी आगे चल के बदल दिए थे, और यही एक महान इंसान की पहचान भी होती है। 10 साल पहले जो सोचा था जरूरी नहीं वो आज भी सच हो या सही हो। इसको लेकर गांधी जी ने एक बार कहा भी था कि मेरा एम ये नहीं है कि मैंने सालों पहले जो स्टेटमेंट दिया है उससे मैं कंसिस्टेंट रहूं, मेरा एम यह है कि आज जो सच मेरे सामने है मैं उस सच से कंसिस्टेंट रहूं। एनीवे, हम वापस आते हैं अपनी बुक पर। तो इसको पढ़ने में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये बुक खुद है। इसका साइज देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बुक जो है ये बुक शेल्फ पर ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार आपने ये बुक उठाकर अगर पढ़ना स्टार्ट कर दी तो फिर आप कल का वेट करेंगे ताकि आप इसे कंटिन्यू कर पाए और समझ पाए महात्मा गांधी की जिंदगी के बारे में। महात्मा, महात्मा का मतलब कोई होली पर्सन, सेज या सेंट, बेसिकली एक महान आत्मा। और वैसे गांधी जी किसी सेज या सेंट की तरह ही बहुत ज्यादा रिलीजियस थे। रोज पब्लिक प्रेयर्स ऑर्गेनाइज होती थी जिनमें वो खुद लीड करते थे। और आप ये सब छोड़िए, आप इमेजिन करिए कि आपको एकदम से कुछ चोट लग जाती है, कहीं लग जाती है, तो एट एन इंस्टेंट आपकी जबान से क्या निकलेगा? ऊ, आ, आउच, मम्मी, कुछ लोगों के मुंह से तो गालियां भी निकल सकती हैं, हिंदी हो या इंग्लिश। लेकिन गांधी जी को जब गोली लगी तो उनकी जबान से निकला हे राम। अब सच बात तो यह है कि महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कहूं और आपको वो ऑलरेडी पता ना हो। गांधी जी की लाइफ की काफी सारी बड़ी इवेंट्स वही हैं जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की भी बड़ी इवेंट्स हैं, जैसे चंपारण हो, खिलाफत या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। तो मैं इस वीडियो में इन सब से थोड़ा हटके कुछ बातें करना चाहता हूं, कुछ किस्से बताना चाहता हूं, जिससे हम लाइफ ऑफ महात्मा गांधी थोड़ी और समझ पाए। अप टू बिगिन विद, गांधी जी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है, साल था 1869 जब वो पैदा हुए थे। वैसे एक नोट करने वाली बात यह है कि मोहनदास का जन्म हुआ था पोरबंदर में, जो आज के गुजरात में है। उनके फादर का नाम था करमचंद और उनके ग्रैंडफादर का नाम था उत्तमचंद। उत्तमचंद पोरबंदर रियासत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। दरअसल गांधी जी एक वेल टू डू फैमिली से थे, वो लंदन गए, उन्होंने वहां पे लंदन जाके लॉ की पूरी पढ़ाई की। यहां एक और बात बता दूं कि लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो टाइम उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताया, वहां उनकी लीगल प्रैक्टिस से उनकी ईयरली इनकम 5,000 से 6,000 pounds थी, जो कि उस जमाने में एक काफी हाई इनकम थी। एक बार डरबन में उन्होंने बीच के पास एक इंग्लिश विला रेंट पर लिया था रहने के लिए।
वो एरिया इतना पॉश था कि वहां से कुछ दूर पर अटॉर्नी जनरल का घर हुआ करता था। उस टाइम के मोहनदास गांधी को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि वो आगे चलकर सफेद धोती वाले महात्मा बनेंगे। क्रिस्प व्हाइट शर्ट कंप्लीट विद लॉयर्स वाला ब्लैक कोट, वो एक हाई क्लास प्रोफेशनल लॉयर लगते थे हु हैज मेड ग्रेट मनी इन हिज लाइफ। लेकिन फिर वसीम बरेलवी का एक शेर है कि उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और फिर साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गांधी जी ने इंडियंस के राइट्स के लिए आवाज उठाई। जेल भी गए, जेल में सुबह भगवद गीता पढ़ते थे और दोपहर में कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते थे। एक चाइनीज क्रिश्चियन प्रिजनर उनके साथी था, जेल में उनका साथी था, जिसे इंग्लिश सिखाने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करते थे। रस्किन, सॉक्रेट्स, टॉल्स्टॉय, हक्सली जैसे कई राइटर्स को गांधी जी ने जेल में पढ़ा। जैसा मैंने बताया कि गांधी जी बहुत रिलीजियस थे और गीता में उनका बहुत इंटरेस्ट था। गीता, भगवत गीता की उनकी समझ एक अलग ही डायमेंशन की थी। उनका कहना था गॉड इज ट्रूथ, सत्य ही भगवान है। अपनी लाइफ में बहुत से रिलीजियस लोगों से वो मिले, रिलीजन पर, भगवान पर, साल्वेशन या मोक्ष पर खूब बात की। डीपली रिलीजियस होने की वजह से कम्युनिज्म और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वाले प्रिंसिपल्स उन्हें पसंद नहीं थे। मार्क्सिज्म को लेकर गांधी जी ने एक बार कहा था कि मेरे पास अगर इतनी स्टडी करने का टाइम होता जितनी कार्ल मार्क्स ने की है तो मैं दास कैपिटल से अच्छी किताब लिख सकता था। दास कैपिटल उन्होंने एक बार जेल में पढ़ी थी। यहां पर ये जो राइटर हैं लुई फिशर, इनका मानना है कि अगर गांधी जी राइटिंग स्टाइल की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी इंग्लिश राइटिंग स्टाइल कार्ल मार्क्स से अच्छी थी। गांधी जी का इंटरेस्ट हेल्थ में भी था। क्या खाना चाहिए, मशीन वाले राइस नहीं खाना चाहिए, काउ मिल्क और बफेलो मिल्क में क्या डिफरेंस होता है, इस पर वो लिखते रहते थे इन सब बातों पर। इनफैक्ट हेल्थ पर उनकी एक बुक भी है जिसका नाम है की टू हेल्थ बाय महात्मा गांधी, आप गूगल कर सकते हैं, काफी अच्छी किताब है। और तो और डॉक्टर्स उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थे। एक बार तबीयत ठीक ना होने के कारण एक डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप पेनिसिलिन का एक इंजेक्शन ले लीजिए, 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, वरना 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि उन्हें ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए वो इंजेक्शन नहीं लेंगे। डॉक्टर ने कहा लेकिन आपकी वजह से दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से कहा कि फिर दूसरों को आप अपना पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा देना। गांधी जी को महात्मा के अलावा बहुत से लोग भगवान भी मानने लगे थे। एक बार ढाका में लगभग 70 साल का एक शख्स गांधी जी से मिलने आया। वो बहुत रो रहा था और गले में उसने गांधी जी की एक तस्वीर टांग रखी थी। कहने लगा कि क्रॉनिक पैरालिसिस से परेशान था, लेकिन रोज गांधी जी का नाम लेना स्टार्ट किया तो एक दिन पूरी तरह ठीक हो गया। गांधी जी ने उस शख्स से कहा कि तुम्हें ठीक करने वाला भगवान है, और अगर मुझे कुछ मानते हो तो अपने गले से मेरी तस्वीर हटा दो। इसी तरह एक बार ट्रेन में सफर करते हुए पता चला कि ट्रेन की चेन किसी ने खींच दी, इसलिए ट्रेन रुक गई है। दरअसल एक लॉयर ट्रेन से बाहर गिर गया था, वो भी अपने सर के बल, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने गांधी जी को कहा कि आप भी इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर गांधी जी जोर से हंसे और कहा कि अगर ये सच होता तो आप ट्रेन से गिरते ही नहीं टू बिगिन विद। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें भगवान समझे और हमेशा इंश्योर करते थे कि कोई भी लेटर ऐसा हो जिसमें उन्हें भगवान समझकर कुछ कहा जा रहा हो तो उसका रिप्लाई खुद करते थे और क्लैरिफाई करते थे कि वो सिर्फ एक इंसान है। रोज करीब 100 लेटर्स के रिप्लाई गांधी जी किया करते थे, कुछ खुद लिखते और कुछ लेटर्स का रिप्लाई डिक्टेट किया करते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी ये इंश्योर किया कि कोई भी कम्युनिकेशन
विदाउट रिस्पॉन्स नहीं रहना चाहिए। आश्रम के लोग पर्सनल और जनरल प्रॉब्लम्स लेकर भी गांधी जी के पास आते थे, आखिरकार वो सबके बापू थे और गांधी जी भी लोगों से अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। जर्नलिस्ट्स को इंटरव्यूज चाहिए होते थे, फॉरेनर्स को उनके व्यूज चाहिए होते थे अलग अलग इश्यूज पर, और कांग्रेस लीडर्स को उनके साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी होती थी। कुल मिला के उनसे मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। आश्रम के अलावा गांधी जी ने ट्रैवल भी काफी किया, लेकिन गांधी जी कभी फ्लाइट में नहीं बैठे। विदेश यात्रा की तो शिप में गए, पानी के जहाज में, और विद इन इंडिया उन्होंने काफी ट्रैवल किया, और विद इन इंडिया उन्होंने एक्चुअली पूरा इंडिया घूमा, लेकिन ट्रेन के थर्ड क्लास में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस थर्ड क्लास में ही ट्रैवल करते थे। एक बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी लंदन गए, तो उसके बाद यूरोप की काफी सारे देश उन्होंने घूमे, काफी लोगों से मिले। 5 स्टार तो दूर, देश का पैसा कम से कम खर्च हो इसलिए गांधी जी होटल में भी रुकना अवॉइड करते थे। हमेशा किसी जान पहचान वाले के यहां रुके जो आगे रह के बापू के लिए दरवाजे खोल देते थे। यूरोप से वापस आते वक्त एक अंग्रेज प्रोफेसर और उनकी वाइफ गांधी जी को छोड़ने आए, और वो इतना इंप्रेस्ड हो चुके थे कि उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो भी इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रैवल करना। गांधी जी ने उनसे कहा कि शायद वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गांधी जी खुद डेक पर 10 पाउंड के टिकट में ट्रैवल करते थे। बस वो प्रोफेसर और उनकी वाइफ भी गांधी जी के साथ इंडिया आ गए। ऐसा ही एक किस्सा यरवड़ा जेल का है। प्रिजन गवर्नर मेजर मार्टिन ने गांधी जी के लिए फर्नीचर और क्रॉकरी का इंतजाम किया। गांधी जी ने कहा कि उन्हें इन सब की जरूरत नहीं है। इस पर अंग्रेज ने जवाब दिया कि आपका जो जेल टर्म है उसके दौरान मिनिमम 300 रुपए हर महीने खर्च करने की परमिशन है। गांधी जी ने कहा कि यह पैसा इंडिया की ट्रेजरी से आता है और वो इसे फिजूल में खर्च नहीं करना चाहते। इतना कहना उस अंग्रेज को यह जताने के लिए काफी था कि यह पैसा ब्रिटिश सरकार का नहीं बल्कि इंडिया का है, इंडिया के लोगों का है। वैसे यहां बता दूं कि गांधी जी ने अपनी लाइफ में ओवरऑल अराउंड 6.5 साल जेल में बिताए। उनका कहना था कि जेल जो है वो चोर और डाकुओं के लिए जेल होती है। मतलब साफ था कि जिन्हें अपनी जिंदगी आराम से बिताना और गुजारना पसंद है, जेल उनके लिए जेल है। गांधी जी के लिए तो जेल किसी महल से कम नहीं था। यरवड़ा जेल को वो यरवड़ा मंदिर भी कहा करते थे। अब जाहिर सी बात है कि जेल उन्हें किसी ना किसी कानून को तोड़ने की वजह से जाना पड़ता था, लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि जो सबसे सिग्निफिकेंट कानून उन्होंने तोड़ा वो था सॉल्ट लॉ। ये बात थी 1930 की, जब उन्होंने डांडी मार्च किया था, और यही वो इवेंट थी जिसे इंडिया में ब्रिटिश राज के खत्म होने की शुरुआत माना जाता है। गांधी जी ने जो डांडी मार्च किया उसमें वो 24 दिनों तक 386 किलोमीटर पैदल चले, तब उनकी एज 60+ थी। अब डांडी मार्च या सॉल्ट लॉ की डिटेल में तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इस बुक का भी यही मानना है कि डांडी मार्च ही वो इवेंट थी जिससे गांधी जी ने ये प्रूव कर दिया था कि इंडिया असली मायने में आजाद है। इस लॉ को तोड़ने का मतलब यह था कि ब्रिटिशर्स लाठी से हम पर वार तो कर सकते थे, लेकिन हम इसके जवाब में ना तो पलटकर वार करते थे और ना ही अपने कदम पीछे लेते थे। खुलेआम नमक बनना और बिकना चालू हो गया। यहां इंग्लैंड पावरलेस हो चुका था और इंडिया अनबीटेबल। इसके बाद इट वॉज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम के ब्रिटिशर्स कब और कैसे देश छोड़ेंगे। डांडी मार्च और सॉल्ट लॉ के बारे में जरूर पढ़िएगा, आपको वो लाइन एकदम फिट बैठती दिखेगी कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। वैसे गांधी जी हर अंग्रेज को देश से बाहर निकालना चाहते हो ऐसा सर्टेनिटी से कहा नहीं जा सकता। एक बार उनकी पत्नी, जिन्हें आश्रम में सब बा कहा करते थे, बा ने एक बार बड़े गुस्से में गांधी जी से कहा कि आपको क्या जरूरत है अंग्रेजों से झगड़ा करने की, हमारा जो देश है वो इतना बड़ा है कि अंग्रेज भी यहां आसानी से रह सकते हैं।
गांधी जी ने जवाब दिया कि वो अंग्रेजों का शासन हटाना चाहते हैं, अगर अंग्रेज हमारे शासक ना हो तो मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं। पैसिफिज्म यानी शांति प्रियता या नॉन वायलेंस भी कह सकते हैं, पैसिफिज्म के मामले में गांधी जी के लेवल का पैसिफिस्ट और कोई उस जमाने में नहीं हो पाया, उनके साथ रहने वाले नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद भी नहीं। इनफैक्ट सिर्फ एक और ऐसा शख्स था जिसे गांधी का टाइटल मिला, वो था फ्रंटियर गांधी। इस शख्स का असली नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये 6 फुट 4 इंच लंबे एक पठान थे जो आज के पाकिस्तान के खैबर इलाके के माउंटेनियस ट्राइब को बिलोंग करते थे। इन्होंने टोटल नॉन वायलेंस अपनाया और हजारों पठानों को ऑर्गेनाइज किया अंडर द बैनर कॉल्ड खुदाई खिदमतगार। कभी इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वैसे वीडियो खत्म करूं उसके पहले एक बुक और मेंशन करना चाहूंगा जो गांधी जी ने खुद लिखी है। इसका नाम है हिंद स्वराज। ये गांधी जी के आइडियाज हैं अराउंड इकोनॉमिक्स, गांव की इकोनॉमिक्स कैसी हो, एक फुली एम्प्लॉयड सेल्फ गवर्निंग विलेज जहां ज्यादा से ज्यादा सेल्फ सफिशियंसी हो, या आज की टर्म्स में कहूं तो गांव आत्मनिर्भर कैसे बने। तो ये बुक भी काफी अच्छी है, इसे पढ़ सकते हैं। और आखिर में एक ये भी चीज समझना जरूरी है कि गांधी जी ने इतने सारे इश्यूज पर इतना सारा काम किया है कि ये जो वीडियो है ये सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन वो बहुत से स्पीचेस में अपना लेफ्ट हैंड उठाकर एक बात समझाया करते थे और शायद उसी बात से इस वीडियो को खत्म किया जाना चाहिए। वो अपनी हर उंगली से एक इशू समझाते थे, इक्वालिटी फॉर अनटचेबल्स, चरखा चलाना जो बेसिकली एक इंडिकेटर था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और यूनिटी का, चरखे की भी बड़ी अच्छी कहानी है कभी पढ़िएगा, सॉब्रिटी, नो एल्कोहल नो ड्रग्स, हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप, उन्होंने नौखाली में जो किया वो पढ़ने लायक, और इक्वालिटी फॉर वुमेन, और जो रिस्क थी वो नॉन वायलेंस रिप्रेजेंट करती थी। गांधी जी का मानना था कि वायलेंस इज ब्रेड बाय इनइक्वालिटी एंड नॉन वायलेंस इज ब्रेड बाय इक्वालिटी। अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी तो वायलेंस होगा, और अगर सोसाइटी में इक्वालिटी होगी तब ही हम नॉन वायलेंस अचीव कर पाएंगे। फाइनली इस बुक के चैप्टर्स जो मैं रिकमेंड करूंगा वो आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, फिर किसी बुक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।